सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी, मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर चालू करने वाले हैं मेरे भाई। टॉपिक का नाम होने वाला है मिनरल एसिड का यूजेस। सर आप ऑर्गेनिक एसिड के बारे में डिटेल में बताया, आपने कुछ ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्मूले बताए, नाम बताए, यूजेस बताए, हर एक चीज बताया। सर आपने मिनरल एसिड की चर्चा नहीं किया वहां पर, कोई बात नहीं दोस्त, यहां पे देख लो मेरे भाई। देखो मिनरल एसिड की मैं बात करता हूं आपसे, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड की मैं आपको फॉर्मूला, स्ट्रक्चर एंड यूजेस की बात करूंगा बहुत इंटरेस्टिंग वे में। सबसे पहली बात कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए मेरे भाई, कार्बोनिक एसिड, दैट मीन्स H2CO3। मेरे भाई कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3, और ये एक तरीके का मेरे भाई क्या है, मिनरल एसिड है, समझ गए। आपको मैं बता दूं कार्बोनिक एसिड आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं ना उसमें ये कार्बोनिक एसिड होते हैं, ठीक है मेरे भाई। कार्बोनिक एसिड समझ में आ रहा है, फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे H2CO3। स्ट्रक्चर देखने की अगर चाहत हो आपकी तो C डबल बॉन्ड O कर लेना, और सिंगल बॉन्ड O, एक तरफ इधर सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। इन सबकी डिटेल क्लास मेटल एंड नॉन मेटल और जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ना वहाँ पे सीख जाओगे, वहाँ पे सीख जाओगे कि कैसे स्ट्रक्चर वाकई में बनाए जाते हैं इनके, समझ में आ रहा है। क्योंकि अभी आपको समझ में एक लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कुछ 9th में अगर आपने सीखा है तो अच्छी बात है। आपको यहाँ पे फॉर्मूला से ही ज़्यादातर मतलब रखने हैं, अगर फॉर्मूला आ रहे हैं तो ठीक है, मिनरल एसिड के तो फॉर्मूलेज आने चाहिए। स्ट्रक्चर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अभी परेशान ना हो, स्ट्रक्चर आप चैप्टर वाइज 3rd 4th चैप्टर जब आप पढ़ लोगे कुछ कुछ स्ट्रक्चर बनाने लगोगे, कुछ क्या 99.9% स्ट्रक्चर आप बना ले जाओगे, ठीक है। अभी इज्जत से देखो सर, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला पता चल गया H2CO3, राइट। स्ट्रक्चर भी सर आपने बता दिया कि डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी मेरे भाई 4 होती है तो 4 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, देखो ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, या तो एक तरफ से 2 बॉन्ड पा जाए या तो दोनों तरफ से एक एक हाथ लगा ले। ऑक्सीजन ना को 2 हाथ चाहिए, कार्बन को 4 हाथ चाहिए, हाइड्रोजन किधर से भी जोड़ो एक ही चाहिए, ये साइड पे होते हैं है ना, किनारों पे होते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि भाई इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इनकी वैलेंसी एक है, समझ में आ रही है। चलो सर सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम तो सुना ही होगा, फॉर्मूला मेरे भाई HCl होता है। स्ट्रक्चर बनाने की इच्छा हो तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको जनरली ये स्ट्रक्चर बनाया गया होगा, देखा भी होगा आपने कोवेलेंट वगैरह में, ठीक है, बनाया भी आपने, स्ट्रक्चर भी बनाया होगा, ड्रॉ भी किया होगा, H सिंगल बॉन्ड Cl होता है, बहुत सिंपल। अब इससे सिंपल क्या लोगे, अब क्या ही दूँ आपको, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम तो देखो इतना बड़ा मेरे एक हाथ का पूरा नाम है और स्ट्रक्चर इतू सा है, समझ रहे हो। तो कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ें भी क्या होती हैं, छोटी छोटी हो जाती हैं, समझ में आ रहा है ना। बड़ा नाम बड़ा लेकिन काम छोटा है, फॉर्मूला छोटा है, ठीक है। चलो काम छोटा नहीं यार, काम बहुत बड़ा है, काम इनके सुनने लगोगे ना तो फिर रात खत्म नहीं होगी, समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं हम लोग HCl मेरे भाई, इसका फॉर्मूला है गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक। हमारे स्टमक का जो गैस्ट्रिक जूस है यही तो है, हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है मेरे भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही तो। कभी कभी आपके स्टमक से एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl रिलीज हो जाता है ना तो आपको एसिडिटी हो जाती है, समझ में आ रहा है। तो आप जाते हो गैसो फास्ट जलजीरा फ्लेवर, जीरा फ्लेवर वाला मारते हो ना, इनो लेते हो, है ना। ये क्या होते हैं मेरे भाई, ये क्या होते हैं, बेस होते हैं वो बेस होते हैं ना, और आपका स्टमक एक्सेस अमाउंट में HCl फेंक देता है तो आप बेस मारते हो, अंदर एसिड है, दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं, दोनों एकदम एक साथ हो जाते हैं, ऐसा दोनों एक साथ हो जाते हैं, मामला आपका सेट हो जाता है। तो चीज़ें समझो, ये चीज़ें मैं पढ़ाते न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में चला जाऊंगा, इसलिए मैं फिर आता हूं अपनी जगह पे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरे भाई स्टमक का गैस्ट्रिक जूस है, यस सर। क्लीनिंग मेटल सर्फेस, मेटल की सर्फेस को क्लीन करने के लिए भी HCl का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेटल की सर्फेस को भी क्लीन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं मेरे भाई। नाइट्रिक एसिड भी मेरे भाई एक मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड है सर। फॉर्मूला जरा बता देना, HNO3 मेरे भाई, HNO3, H मीन्स हाइड्रोजन, N मीन्स नाइट्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन क्या करेगा मेरे भाई, इसकी वैलेंसी तीन बॉन्ड ये बना रहा है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना लिया, सिंगल बॉन्ड मेरे भाई ऑक्सीजन से बना लिया, इस वाले ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड, इस वाले ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लिया। लेकिन ये एरो सर क्या है, एरो देखो मेरे भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, अभी आप पढ़े नहीं होगे, ठीक है, अभी आपकी जरूरत नहीं पड़ने की, अगर आपको जब जरूरत लगेगी तो मैं खुद पढ़ाऊंगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं मेरे भाई इसको, ये जो एरोस है ना, अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो शेयर इलेक्ट्रॉन को उसको पूरी तरीके से दे देता है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा।
ये चीज़ें हम आगे समझेंगे, अभी परेशान ना हो, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब कोवेलेंट का ही टाइप है ना, डबल बॉन्ड, यस, ये भी कोवेलेंट से जुड़ा हुआ है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, और ये सिंगल बॉन्ड एच, ये HNO3 का स्ट्रक्चर मेरे भाई हो गया। इसका यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव लाइक TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन फुल फॉर्म होता है मेरे भाई, TNT का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोलिन। ट्राई नाइट्रोटोलिन एक मेरे भाई बहुत एक्सप्लोसिव चीज होती है, बहुत विस्फोटक पदार्थ, मतलब मेरे दोस्त इसको जो नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक HNO3 का यूज हम लोग करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव मतलब समझते हो कि नहीं समझ रहे, एक्सप्लोसिव समझ रहे हो, जो विस्फोटक चीजें होती है ना, विस्फोटक चीजें, इसको बनाने के लिए हम लोग जैसे TNT में इसका यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड, और बहुत एक्सप्लोसिव है मेरे भाई ट्राई नाइट्रोटोलिन, ठीक है। वो दीपावली वाला बम नहीं है ये जो सोच रहे हो, ट्राई नाइट्रोटोलिन जी हमारे बहुत एक्सप्लोसिव चीज़ है, उसका यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड के लिए, ठीक है। और देखो मेरे फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं इससे, ठीक है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट हुआ, अमोनियम नाइट्रेट मेरे भाई ट्राई इसकी यूज़ हम लोग कर लेते हैं नाइट्रिक एसिड का। फॉर्मूला पता चल गया, कुछ एग्जाम्पल पता चल गया, एक स्लाइड और आपके सामने लगाता हूँ मिनरल एसिड का, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, इसको नोट ओके। तो आपके सामने मैंने स्लाइड नंबर 2 लगा दिया, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इसमें दो और मिनरल एसिड की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट मेरे भाई इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे, एंड सेकंड फॉस्फोरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। दो ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट के मिनरल एसिड हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। सर दोनों का फॉर्मूला जरा बता दीजिए। सर सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत फेमस नाम है, आपने तो बहुत जिंदगी मतलब कई सालों से सुनते चले आ रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाम भी पता है, स्ट्रक्चर भी आपको मैं सारा कुछ दिखा देता हूं यहां पे, H2SO4 मेरे भाई इसका फॉर्मूला आपको बहुत पहले से पता होगा, H2SO4 दैट मींस हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन से मिलकर यह बना हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो सल्फर मेरे भाई डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O से यहां पे जुड़ गया, ठीक है मेरे भाई, सिंगल बॉन्ड यहां पे O, सिंगल बॉन्ड O इसके साथ, और H से एक एक बॉन्ड कर लेता है। मैंने आपको बताया तो था कि ऑक्सीजन मेरे भाई दो, देखो जब मैं बॉन्डिंग सिखाऊंगा ना आपको, जब मैं आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बॉन्डिंग टॉपिक सिखाऊंगा, तो वहां पर यह बॉन्ड बनाना सिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से ये क्यों मैं दो बॉन्ड क्यों एक बॉन्ड ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पर बॉन्डिंग की क्लास नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड इसके लिए परेशान ना हो कि क्या है कैसे बॉन्ड कैसे लाइन खींच गया, डिस्टर्ब नहीं होना यहाँ पे, बस अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता चल गया तो इनफ है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 पता चल गया तो इनफ है, आप इसके स्ट्रक्चर बना लेंगे, 10th में ही बनाना सिखाऊंगा, चैप्टर नंबर थ्री में सिखाऊंगा इसके स्ट्रक्चर वाकई में कैसे बनते हैं। यहाँ पे बस आ गया H2SO4, तो जनरली मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपकी इच्छा हो कि कैसे इसके स्ट्रक्चर दिखने में लगते होंगे, कैसे बनते, तो बना रहा हूँ, आप एज इट इज नोट कर लो, अभी फिलहाल देख के कर सकते हो, लेकिन चैप्टर 3 के बाद अगर आप देख के कर तो अच्छी बात थी। चैप्टर 3 जब पढ़ा दूंगा आपको, तो फिर आप स्ट्रक्चर बना ले जाएंगे। 3 में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग करके, समझ गए, वेरी गुड। सर ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 था, स्ट्रक्चर जो आपने बताया ठीक है, हम लोग बना लेंगे चैप्टर नंबर 3 में, आपके कह रहे हैं तब मान रहा हूं, ठीक है, मान जाओ, अभी मान जाओ, ठीक है। उसके बाद देखो, किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, मेरे भाई किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है, ठीक है। किंग ऑफ केमिकल्स कौन है मेरे भाई, सल्फ्यूरिक एसिड है। लेड स्टोरेज बैटरी में भी इसका यूज हम लोग कर लेते हैं सल्फ्यूरिक का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव लाइक TNT एंड फर्टिलाइजर्स और ट्राई नाइट्रोटोलिन मेरे भाई ये एक्सप्लोसिव चीज है। ट्राई नाइट्रोटोलिन है ना, ये मोस्ट एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक चीजें हैं, उनको बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। दैट मीन्स हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं ट्राई नाइट्रोटोलिन को प्रिपेयर करने में, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो फर्टिलाइजर्स में भी इसका यूज कर लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज मेरे भाई फर्टिलाइजर्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है, आप एक दो यूजेस समझो एंड उसके बाद अगर आपको जानने की इच्छा हो तो स्ट्रक्चर जान लेना, फॉर्मूला जान लो, फॉर्मूला तो 100% आना ही चाहिए। कुछ मिनरल एसिड के फॉर्मूले आपको पता ही चल गए, कुछ मिनरल एसिड के एग्जाम्पल पता चले कि नहीं चले, यस सर। फॉस्फोरिक एसिड की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो फॉर्मूला H3PO4, नाम तो सुना ही होगा फॉस्फोरिक जी का, नहीं सुना होगा तो नोट कर लो, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4 होता है, H3PO4 होता है मेरे भाई। 3 OH बना लेना, फॉस्फोरस से 3 OH जोड़ देना, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर लेना। अभी यह फिलहाल तो आपको जनरली ऐसे ही जानना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा ना, उस दिन यूं बनाओगे, यूं
ये फॉर्मूले ना यूँ बना ले जाओगे ऐसे, अभी परेशान नहीं होना, स्ट्रक्चर आप यूँ बना लोगे, कुछ है नहीं। फॉर्मूला बनाना तो मैंने सिखा ही रखा है, H3PO4 क्यों है ये भी तो मैंने सिखा दिया। फॉस्फेट का -3 होता है ना, फॉस्फेट के ऊपर -3 चार्ज होते हैं, NH का +1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे H3PO4 बनते हैं। जनरली कुछ फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है क्लास 9th में, जो कॉन्सेप्ट जहाँ पे आएगा वहाँ पे सीखेंगे, वीडियोस बहुत लेंदी हो जाएगी, यहाँ पे लगूंगा फॉर्मूला स्ट्रक्चर सिखाने, तो ठीक है ना, परेशान नहीं हो। अभी फिलहाल फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, H3PO4 होता है, स्ट्रक्चर आपको अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है, आएगा ये एक दिन आएगा, अपना टाइम आएगा, ऐसे बोलो, अभी बोलो अपना टाइम आएगा, आएगा भाई तू आएगा, अभी नहीं आ रहा। मैंने जनरली आपको बस दिखने के लिए लगाया, आप लोग उसको डिस्टर्ब, उसको देख के डिस्टर्ब होने के लिए नहीं लगाया मैंने, बस देख लो उसको अच्छे से क्या है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर जहाँ पे आएंगे वहाँ समझेंगे। एंटी रस्ट पेंट की फॉर्म में मेरे भाई फॉस्फोरिक एसिड का होगा, डिटर्जेंट में करते हैं इसका, फर्टिलाइजर्स में करते हैं, समझ में आ रहा है? फर्टिलाइजर्स समझते हो कि नहीं समझते, फर्टिलाइजर समझते हो कि नहीं समझते हो, ठीक है, डिटर्जेंट समझते हो कि नहीं समझते हो, इन सभी चीज़ों में हम लोग फॉस्फोरिक एसिड का यूजेस करने वाले हैं, ठीक है, करने वाले हैं क्या करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप नोट करिए आपके सामने, मैं सेकंड वीडियो डालूंगा, प्लेलिस्ट में जाइए और नेक्स्ट वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, लगभग मेरे दोस्त इस चैप्टर के आपको 41 कॉन्सेप्ट देने वाला, मैंने पूरा सिस्टम बना लिया पहले से कि कौन से लेक्चर में कौन से वीडियोज़ में क्या क्या पढ़ाना है, नियर अबाउट 41 वीडियोज़ मेरे भाई उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं जाके ड्रैग करके, है ना, अभी आप जाके चेक कर सकते हैं कि 41 वीडियोस हैं कि नहीं, तो ये सब चीजें हम लोग समझेंगे, वहां पे परेशान नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, समझ में आए, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।